नमस्कार। हमारे अनेक इतिहासकार महानुभाव भाट कवियों द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो और आलखंड जैसे लोक काव्यों को झूठ का पुलिंदा बताते नहीं अघाते। उनका सबसे बड़ा तर्क होता है कि पृथ्वीराज रासो में वर्णित पृथ्वीराज चौहान की जन्मतिथि ही गलत है, तो फिर शेष बातें क्या खाक सही होंगी। मैं उनके प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए भी यह कहे बिना नहीं रह सकता कि इतिहास एक रूखा विषय है जहां केवल सीधी सपाट तारीखें और उनसे जुड़ी घटनाओं का लेखा जोखा भर होता है, जबकि काव्य में कल्पना और लालित्य का मिश्रण भी होता है। कई इतिहासकार पृथ्वीराज रासो को इस आधार पर नकारते हैं कि उसकी शुरुआत ही गलत है। मैं अत्यंत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि रासो में वर्णित महाराज पृथ्वीराज की जन्म तिथि को गलत बताने वाले महानुभाव ना तो ज्योतिष की समझ रखते हैं, वे इतिहासकार भर हैं, और ना ही उन्हें काव्य की कोई समझ होती। आइए आज के इस वीडियो में हम थोड़ी ज्योतिष चर्चा और थोड़ी रासो के रचयिता कवि की प्रशंसा कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो में आखिर लिखा क्या है जिसके आधार पर कवि को वर्षों से झूठा और अज्ञानी घोषित किया जाता रहा है। रासोकार लिखते हैं, दरबार बैठ सोमेश राय लीने हजार ज्योतिषी बुलाए, कहो जन्म कर्म बालक विनोद, शुभ लगन मुहूर्त सुनत मोद। आपको इसका अर्थ तो निश्चय ही समझ में आ गया होगा, सरल है। महाराज सोमेश्वर ने अनेक ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे कहा कि नवजात बालक के कैसे कर्म रहेंगे ये बताकर हम लोगों अर्थात माता पिता को सुनाइए ताकि हम आनंदित हों। लेकिन इसके आगे कवि ने कुछ काव्य कुशलता दर्शाते हुए एक पहेली की शक्ल में उनकी जन्मतिथि वर्णित की और उसके आधार पर उन्हें विद्वानों ने सीधे सीधे झूठा और अज्ञानी ही घोषित कर दिया। आइए विवेचन करते हैं। कवि ने लिखा, संवत एकादश पंच अग्ग बैसाख मास पख कृष्ण लग्ग गुरु सिद्ध योग चित्रा नखत गर नाम कर्ण शिशु परम हित। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। संवत 1115 तो सभी ने मान लिया, किंतु विद्वानों ने कहा कि वैसाख मास के कृष्ण पक्ष में चित्रा नक्षत्र आता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। उनका कहना गलत भी नहीं है। मैंने फिर काफ़ी दिमाग लगाया, मन मानने को तैयार ही नहीं था कि इतने सुंदर काव्य का रचयिता कवि इतनी बड़ी भूल कर सकता है। किंतु जब मैंने चित्रा नक्षत्र ढूंढकर उस समय की कुंडली बनाई तो मेरे सामने कवि की कुशलता और प्रतिभा स्पष्ट हो गई। वह कुंडली इस समय आपके सामने है। इसमें चित्रा नक्षत्र के साथ कवि द्वारा वर्णित सिद्ध योग भी है। बस अंतर केवल इतना है कि इसमें तिथि पूर्णिमा है। ध्यान दीजिए, क्या कवि सीधे सीधे तिथि नहीं लिख सकते थे? अगर विद्वानों की धारणा के अनुसार उन्होंने कृष्ण पक्ष और वैसाख मास लिखा तो तिथि क्यों नहीं लिखी? मेरा निवेदन है कि उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि महाराज पृथ्वीराज का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा को हुआ। समझने की बात है। अग्ग बैसाख मास पख कृष्ण लग्ग, इसका अर्थ है कि आगे बैसाख मास का कृष्ण पक्ष प्रारंभ होने वाला है। संभव है विद्वान मेरे इस अभिमत को नकार दें, किंतु आगे भी देखिए, कवि ने इसी प्रकार छद्म प्रकार से पूरी ग्रह स्थिति वर्णित की है उस समय की, जिन्हें समझने में थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी। लेकिन सीधी बात समझने के आदि विद्वानों ने उनकी इस पहेली को समझने की कोशिश ही नहीं की। कवि ने लिखा, उषा प्रकाश एक घड़ी रात पल तीस अंश त्रय काल जात,
गुरु बुद्ध शुक्र परि दसहि थान अष्टमे थान शनि फल विधान पंच दू थान परि सोम भोम ग्यारहवे राहु बल करम होम बारहे सूर सो करन रंग अन मो नमाय तृण करे भंग। विद्वानों ने इसका अर्थ किया कि एक घड़ी बाद रात को जन्म हुआ तो बारहवें स्थान पर सूर्य आ ही नहीं सकता, सब गप है। बारहवें स्थान पर सूर्य है तो दसवें स्थान पर बुध शुक्र भी नहीं आ सकते। अब ज्योतिष के विद्यार्थी जरा दिमाग खपाएं कि क्या पहली पंक्ति उषा प्रकाश एक घड़ी रात पल तीस अंश त्रय बाल जात का अर्थ यह नहीं हो सकता कि उषा का प्रकाश उदय होने में एक घटी तीन अंश और तीस पल शेष हैं, अर्थात सूर्योदय के लगभग ढाई घंटे पूर्व महाराज पृथ्वीराज का जन्म हुआ। उसी आधार पर मैंने कुंडली बनाई तो सब समझ में आ गया और मैं कवि की विद्वत्ता के समक्ष नत हो गया। कुंडली में ग्यारहवीं अर्थात कुंभ राशि में राहु है, मंगल से पांचवें स्थान पर चंद्र है, गुरु दसवें स्थान पर है और बुध शुक्र भी गुरु की राशि में है, शनि चंद्रमा से आठवें घर में है। ज्योतिष के अनुसार लग्न और चंद्र राशि दोनों का ध्यान रखा जाता है। एक अंतिम बात कि बारहे सूर्य का अर्थ लोगों ने लगाया कि बारहवें स्थान पर सूर्य है, उस पूरी पंक्ति को ध्यान से पढ़ने में समझ में आ जाता है कि वहां सूर का अर्थ सूर्य नहीं बल्कि शूर वीरता है। बड़े बड़े शूर वीर भी इनके सामने मुंह में तृण दबाने को विवश होंगे, उनका मान भंग होगा। अब कथानक पर आगे बढ़ने के पूर्व इस वीडियो के प्रसारण का कारण यही है, अगर लोक काव्य आलखंड और पृथ्वीराज रासो जैसे लोक काव्य की सत्यता और प्रामाणिकता पर भरोसा ही नहीं होगा तो कथानक में आनंद ही क्या आएगा। तो आइए अगले अंक से शुरू करते हैं महाराज पृथ्वीराज और परम प्रतापी आल्हा उदल का कथानक। अरे हाँ, यह कुंडली किस तारीख की है यह बताना तो भूल ही गया। वह तारीख है 17 अप्रैल 1058। अंत में चलते चलते यह स्पष्टीकरण तो जरूरी है कि जरूरी नहीं कि मेरा अभिमत सही हो, लेकिन मुझे लगता है कि विचारणीय अवश्य है। मैं जैन श्यातवाद से बहुत प्रभावित हूँ, संभव है मैं सही हूँ, संभव है वे सही हों, संभव है हम दोनों सही हों और यह भी संभव है कि हम दोनों गलत हों, लेकिन सत्य का शोधन होते रहना चाहिए। नमस्कार।